गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पे। जो हमने लेक्चर नंबर 1 पे ये इसका जो स्ट्रक्चर देखा था, इसी को अब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं संसद। इसके अंदर आता है लोकसभा और राज्यसभा। आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड थर्ड इज राज्य सभा। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। और राज्यसभा को अपर हाउस। दो हाउस है यहां पे, इसे बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून, या टू मेक लॉ, कानून बनाना। लेजिस्लेचर का मतलब होता है। और बाई का मतलब क्या होता है? एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। बाई का मतलब टू, दो। बाई का मतलब हुआ टू। लेजिस्लेचर का मतलब हुआ कानून बनाता है। और कैमरल का क्या मतलब है? इसका मतलब है हाउस। दो हाउस है यहाँ पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को बोलेंगे लोअर हाउस, राज्यसभा को बोलेंगे अपर हाउस। दो हाउस है, टू हाउस, बाई कैमरल। और ये दोनों हाउस मिलके कानून बनाती है, तो इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, टू मेक लॉ, कानून बनाना। इसीलिए पार्लियामेंट को हम बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इन तीनों को। तो पहला है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, इसका इलेक्शन कैसे होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो भी मेंबर होते हैं ना, उनको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपीज ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपी मिलके प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, ठीक है। ये अभी हम बस इतना जानेंगे। प्रेसिडेंट को फिर हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, इसका एक अलग टॉपिक होगा प्रेसिडेंट का। अभी हम सब कुछ शॉर्ट में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट को, और अभी हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारा टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा के बहुत सारे डिफरेंट नेम हैं। पहला है लोअर हाउस, दूसरा है पॉपुलर हाउस, तीसरा है टेम्पररी हाउस। ये लोकसभा के डिफरेंट नेम हैं, ठीक है। लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस एंड टेम्पररी हाउस। लोअर हाउस, इसका मतलब क्या है? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए हमारी एज ज्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है, कम एज भी रहे तो चल जाता है। लोकसभा का मेंबर होने के लिए 25 इयर्स मिनिमम एज होता है, ठीक है। मिनिमम एज है 25 इयर्स, इसलिए इसको लोअर हाउस बोलते हैं। लोअर हाउस, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम एज चाहिए 25 इयर्स, इसलिए इसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। पॉपुलर हाउस क्यों बोलते हैं? पॉपुलर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लोग यहाँ चुने जाते हैं वो सारे पीपल वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। कैसे? पॉपुलर, अगर वोट करते हैं तो ही हम पॉपुलर होते हैं ना। तो यहाँ पे जो लोग चुने जाते हैं ये वोटिंग के हेल्प से चुने जाते हैं,
मतलब जो इनका चुनाव होता है वो वोटिंग के हेल्प से होता है, इसलिए इसको हम पॉपुलर हाउस बोलते हैं। और तीसरा नाम है टेम्प्ररी हाउस। टेम्प्ररी हाउस क्यों कहते हैं? टेम्प्ररी हाउस हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा का जो टर्म है कितना है, 5 साल का है, 5 years, 5 years के लिए होता है। लेकिन ये 5 साल सरकार चलेगी ऐसा जरूरी नहीं है, ये 5 साल के पहले भी बंद हो सकती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनकी सरकार सिर्फ 13 दिन ही चली थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन चली थी, कब? 1999 में। लोकसभा का 3 नाम है, लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस, टेम्पररी हाउस। लोअर हाउस इसलिए क्योंकि इसके मेंबर बनने के लिए हमारी मिनिमम एज 25 ईयर्स रिक्वायर्ड है, ज़्यादा नहीं चाहिए। पॉपुलर हाउस इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर चुने जाते हैं वो वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। टेम्पररी हाउस इसलिए क्योंकि ये हाउस, इसका टर्म्स 5 साल का भले है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 5 साल तक टिके। ये हाउस जल्दी भी डिसॉल्व हो जाता है, जल्दी भी बंद हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था वो सिर्फ 13 दिन चला था 1999 में। ठीक है, ये था हमारा लोकसभा का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम ये देखेंगे कि लोकसभा का अगर हमें मेंबर बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए लोकसभा के मेंबर बनने के लिए? पहला, मिनिमम एज 25 ईयर्स, ठीक है। दूसरा, इंडियन होना चाहिए हमें, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, हमें इंडियन होना चाहिए और बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। क्या? बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारे रिक्वायरमेंट है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। टोटल या मैक्सिमम मेंबर लोकसभा में कितने होते हैं? 552। 552 इसको डिवाइड कैसे किया गया है? 552 को 530, 20 एंड 2, ठीक है। इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है, 530 एंड 2। 530 जो है ये MPs फ्रॉम 29 स्टेट, जितने स्टेट्स हैं इंडिया में, इन स्टेट्स के MPs हैं, स्टेट के MPs हैं ये 530। और ये जो 20 हैं ये यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज के जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं ये उनके MPs हैं। और ये जो 2 हैं ये एंग्लो इंडियन हैं, एंग्लो इंडियन, ठीक है। इसके 552 सीट हैं लोकसभा में, 552 का स्ट्रेंथ है। 530 जो MPs हैं वो स्टेट के होते हैं, 20 हैं वो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर्स का होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसको 1 साल बढ़ा के 6 साल कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा किस केस में होता है ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि 5 साल का टर्म होता है लोकसभा का लेकिन कभी कभी 6 साल कर देते हैं। ऐसा कब होता है? ओनली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कब होगा? ओनली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। अगर कभी नेशनल इमरजेंसी हुआ तब इसका टर्म 5 साल में से 1 साल बढ़ा के 6 साल का कर दिया जाता है। और नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या होता है? जैसे कि वॉर, मतलब युद्ध, कोई वर्ल्ड वार हो गया, किसी कंट्री के साथ युद्ध छिड़ गया तो, या एक्सटर्नल एग्रेशन, या कोई भी इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ, इंटरनल डिस्टरबेंस,
कुछ भी हो सकता है, इंटरनल डिस्टरबेंस, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस, तो इसका टर्म 5 साल से 1 साल बढ़ा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में। कब? ओनली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, वरना नहीं बढ़ाया जाएगा। टर्म 5 साल का ही होता है, अगर एग्जाम में आएगा। लोकसभा का टर्म कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है, 1 साल बढ़ा दिया जाता है। इन विच केस? ओनली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 साल कब बढ़ाया जाता है? ओनली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। हमने ये देखा यहाँ पे स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड एंग्लो इंडियन, 530 सीट स्टेट्स के हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज के एंड 2 एंग्लो इंडियंस के। टोटल सीट कितने थे? 552। स्टेट्स तो हमें पता है, राज्य, यूनियन टेरिटरीज भी पता है हमें, एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन ऐसे पर्सन को बोलते हैं जिसके मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक ब्रिटिश के हों और एक इंडियन के, इंडिया के हों। कहाँ के? एक ब्रिटिश के और एक इंडिया के। एंग्लो इंडियन में से एक मम्मी होंगे, एक पापा होंगे, एक होंगे ब्रिटिश के, एक होंगे इंडिया के। इनके जो बच्चे होंगे, इनके चाइल्ड जो होंगे, उसे हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, लोकसभा का हेड कौन होता है? लोकसभा का हेड या लीडर हम किसको बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। लोकसभा में जो 552 मेंबर हैं, ये सारे एमपीज हैं, उनका एक लीडर होगा, सिर्फ एक लीडर होगा। वो लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा है, लोकसभा का एक लीडर होता है, इस लीडर को हम क्या बोलते हैं? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ओके, लोकसभा का एक चेयरमैन होता है जो सबका सुनता है, उसको बोलेंगे स्पीकर। ये तो लीडर है, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इनका एक स्पीकर होता है, एक चेयरमैन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीकर। वो क्या करता है? वो बोलेगा और बाकी लोग सुनेंगे। स्पीकर का ही काम है बोलने का। ये था हमारा लोकसभा। अब हम देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा का क्या क्या नाम है? अपर हाउस, परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस, एंड थर्ड इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, इसके 3 नाम है, अपर हाउस, परमानेंट हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अपर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हायर एज वाले लोग बैठते हैं। इसमें क्या था? इसमें कम एज वाले लोग बैठते थे, इसमें ज्यादा एज वाले लोग बैठते हैं। इसकी 25 साल थी ना मिनिमम एज, इसका मिनिमम एज 30 इयर्स है, मिनिमम एज 30 इयर्स। ये ज्यादा है ना, ये 25 साल है मिनिमम एज, ये 30 साल है, इसलिए इसको बोलते हैं अपर हाउस। परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं? इसको परमानेंट हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाउस कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, कभी भंग नहीं हो सकता। ठीक है, ये हाउस तो आपने देखा था, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो था, 13 दिन के बाद खत्म हो गया था, ये कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ये परमानेंट हाउस है। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्टेट का इंटरेस्ट होता है, जो लोग इसमें चुने जाते हैं वो स्टेट की तरफ से चुने जाते हैं, स्टेट असेंबली उनको चुनती है, ये स्टेट की तरफ से चुने जाते हैं, इनको स्टेट असेंबली चुनती है। इनका टर्म क्या है? 6 इयर्स का। इसका 5 ईयर था ना, इसका 5 ईयर था, इमरजेंसी के केस में 6 ईयर है, ऐसे 6 ईयर नहीं है, और इसका टर्म है 6 ईयर। लेकिन 6 साल के लिए चुने तो जाते हैं, लेकिन 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी
टू ईयर्स। हर दो साल के बाद वन थर्ड मेंबर, एक तिहाई मेंबर इसके रिटायर होते हैं हर दो साल पे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हर दो साल पे वन थर्ड मेंबर इसके रिटायर होते हैं, ठीक है। इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल स्ट्रेंथ है 250। इसका टोटल स्ट्रेंथ है 250। ये कैसे डिवाइडेड है? ये 250 को हम डिवाइड करेंगे 238, 12, ओके 238 एंड 12, ये दो पार्ट हुआ। या हम इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, 250 है तो 229, 4 एंड 12। 4 यूनियन टेरिटरीज से हैं, ये स्टेट से हैं, और ये जो 12 हैं ये नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं ये 12 लोग। 238 स्टेट्स के हैं, ये दोनों मिला के हैं यहाँ पे 12 में डिवाइड किया हुआ है। ये 12 अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, 4 यूनियन टेरिटरीज की तरफ से, 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ये राज्यसभा का हो गया कि राज्यसभा किस तरीके से डिवाइडेड है, और मिनिमम एज इसका क्या है? 30 इयर्स, ओके। राज्यसभा का पावर देखेंगे हम, पावर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का पावर क्या है। तो ऑल इंडिया स्कीम जो होता है ना, ऑल इंडिया स्कीम, जैसे IAS, IPS, ऑल इंडिया सर्विसेज बनने के लिए जो बिल आएगा वो राज्यसभा में जाएगा। ऑल इंडिया सर्विसेज बनने के लिए जो भी बिल आएगा वो राज्यसभा में जाएगा, जैसे IAS, IPS। अब हम जानेंगे जॉइंट सिटिंग क्या होती है। जॉइंट सिटिंग, ये वर्ड जॉइंट सिटिंग है, इस वर्ड का मतलब जानेंगे हम। जॉइंट सिटिंग में राज्यसभा होना जरूरी है, राज्यसभा का होना जरूरी है जॉइंट सिटिंग में। राज्यसभा मस्ट प्रेजेंट, मस्ट है, जरूरी है, राज्यसभा का होना जरूरी है जॉइंट सिटिंग में। जॉइंट सिटिंग होता क्या है? कोई भी बिल, ये बिल है, ये एक बिल है, ठीक है, कोई भी बिल, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, पहले लोकसभा में गया, ठीक है, लोक के सभा से राज्यसभा में जाएगा ये बिल, ठीक है, पास होता है, राज्यसभा से वापस लोकसभा में गया, फिर ये लोकसभा से राज्यसभा में गया, वापस लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा होते रहा। मैक्सिमम ये 6 महीने तक हो सकता है, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, वापस लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से, ये मैक्सिमम 6 मंथ तक हो सकता है, 6 महीने तक ये मैक्सिमम हो सकता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अगर कोई भी 6 महीना तक लोकसभा से राज्यसभा या राज्यसभा से लोकसभा होता रहेगा तो वो बिल को डेड लॉक कह देंगे कि ये बिल डेड लॉक हो गया है, ठीक है। और इस केस में प्रेसिडेंट जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अगर डेड लॉक हो गया तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग करेंगे, जॉइंट मीटिंग को बुलाएंगे, जॉइंट मीटिंग, जब कोई बिल डेड लॉक हो जाता है। प्रेसिडेंट का काम सिर्फ बुलाना है मीटिंग के लिए, और इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट जॉइंट मीटिंग के लिए बुलाएगा, इसको हम बोलेंगे समन, ओके। प्रेसिडेंट जॉइंट मीटिंग के लिए बुलाएगा, जब कोई भी बिल डेडलॉक हो जाता है उसको हम बोलते हैं समन, जो प्रेसिडेंट बुलाया, मतलब समन करना है, समन किया मतलब बुलाया जॉइंट मीटिंग के लिए। जॉइंट मीटिंग में जो हेड कर रहा होता है, जो चेयरमैन होता है, वो कौन होता है? वो लोकसभा का स्पीकर होता है।
जैसे ये जॉइंट मीटिंग हुआ, यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा दोनों मेंबर प्रेजेंट हैं, लोकसभा के भी मेंबर हैं और राज्यसभा के भी मेंबर हैं। मान लीजिए यहाँ पे जॉइंट मीटिंग हो रहा है, सारे लोग हैं, ये देखिए ये सारे लोग हैं, ये लोकसभा के तरफ के हैं और ये राज्यसभा के तरफ वाले लोग, ठीक है, ये लोग हैं। अब इन सब को कोई एक होगा चेयरमैन इन सब का, जो बोल रहा होगा, जो स्पीकर होगा, इन सब का एक चेयरमैन होगा, यहाँ पे होगा वो जो बोल रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे, स्पीकर। तो ये स्पीकर कौन होता है, ये स्पीकर हमेशा लोकसभा का होता है, ये लोकसभा का स्पीकर होता है। जॉइंट मीटिंग में जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा के मेंबर हैं और यहाँ राज्यसभा के मेंबर हैं। लोकसभा का मेंबर कभी भी राज्यसभा में नहीं बैठ सकता और राज्यसभा का कोई भी मेंबर लोकसभा में नहीं बैठ सकता, लेकिन जो मिनिस्टर होते हैं ना, मिनिस्टर जैसे पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये मिनिस्टर जो हैं ये कहीं भी बैठ सकते हैं, राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं, लोकसभा में भी बैठ सकते हैं। लोकसभा के जो मिनिस्टर होंगे ये राज्यसभा में, और राज्यसभा के जो मिनिस्टर होंगे ये लोकसभा में, कहीं भी बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके मेंबर नहीं इधर उधर हो सकते हैं। कोई भी बिल पहले कहाँ जाएगा, लोकसभा में। कोई भी बिल आता है ना वो सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद जाएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा उसे फॉरवर्ड नहीं करती है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, जॉइंट मीटिंग बुलाएगा। अगर राज्यसभा फॉरवर्ड करने से मना कर देती है तो प्रेसिडेंट जॉइंट मीटिंग बुलाता है। मनी बिल में लोकसभा को पावर दिया गया है, जो मनी बिल होता है उसमें राज्यसभा का पावर नहीं है, उसमें लोकसभा को पावर दिया गया है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, इनका इलेक्शन हमेशा डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड, ये लोकसभा के मेंबर तो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। अगर लोकसभा मनी बिल देता है राज्यसभा को, अगर ये देता है राज्यसभा को, तो राज्यसभा को ये बिल 14 दिन के अंदर पास करके लोकसभा को वापस करना ही है। अगर 14 दिन में बिल वापस लोकसभा में नहीं आया तो ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा ने बिल पास कर दिया है और फिर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। अगर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल हमेशा लोकसभा में जाती है, लोकसभा अगर उसको राज्यसभा में पास करता है तो राज्यसभा को वो मनी बिल 14 दिन के अंदर इनको वापस देना है साइन करके। अगर ये नहीं पास करते हैं 14 दिन में तो ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने पास कर दिया है और वो बिल डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास चला जाता है साइन होने के लिए। उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो लॉ बन जाता है, ऐसे बनता है हमारा कानून, कानून बन जाता है। लोकसभा को अधिकार है कि किसी भी बिल पर मनी बिल का टैग लगा सकेगा। ये अधिकार किसका है, लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, उनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है, उनका अधिकार है किसी भी बिल पे, कोई किसी भी बिल पे मनी बिल का टैग लगा सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज कंप्लीट लेक्चर अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा। हमारा लोकसभा और राज्यसभा का कंप्लीट लेक्चर यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए हैं, एक बार हम एक क्विक रिविजन कर लेंगे। पार्लियामेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे दो हाउसेस हैं, ये लोअर हाउस, ये अपर हाउस, दो हाउस है, इसलिए बाई कैमरल, बाई मतलब टू, कैमरल मतलब हाउस, और लेजिस्लेचर का मतलब कानून, जो कानून बनाता है, टू मेक लॉ, इसलिए पार्लियामेंट को बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, टू हाउस जो कानून बनाता है। प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट जो है MPs of both लोकसभा एंड राज्यसभा से मिलके चुने जाते हैं। लोकसभा लीडर ऑफ
इनके लीडर है पीएम। लोकसभा के लीडर हमेशा पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। इनको लोअर हाउस, अपर हाउस, टेम्पररी हाउस तीनों के नाम से जाना जाता है। इनका मिनिमम एज 25 इयर्स है। ये वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। इनका टर्म्स 5 साल का है, 1 साल बढ़ा दिया जाता है जब नेशनल इमरजेंसी का केस होता है। नेशनल इमरजेंसी मतलब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये कभी भी भंग हो सकती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार 13 दिन में भंग हो गई थी 1999 में। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मिनिमम एज 25 इयर्स, इंडियन होना चाहिए, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। इसका क्लासिफिकेशन है टोटल या मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 का होता है। 530 एमपीज स्टेट के होते हैं, 20 एमपीज यूनियन टेरिटरीज के होते हैं और 2 एमपीज एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस, परमानेंट हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। इसका मिनिमम एज है 30 साल, टर्म है 6 साल का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। इसकी स्ट्रेंथ है 250 की। 250 में से 229 MPs जो होते हैं वो स्टेट के होते हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज के और 12 को प्रेसिडेंट चुनते हैं, नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। ये जो 12 चुने गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये लिटरेचर के हो सकते हैं, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, ये कहीं के भी हो सकते हैं। अब राज्यसभा के पावर, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो भी बिल आएगा वो राज्यसभा में आएगा। जॉइंट सिटिंग क्या होता है? कोई भी बिल लोकसभा से राज्यसभा में पास होता है, राज्यसभा से लोकसभा में पास होता है। तो इस तरीके से ये 6 महीने से ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो डेडलॉक हो जाता है। डेडलॉक अगर हो गया तो ज्वाइंट मीटिंग बुलाया जाता है। ज्वाइंट मीटिंग में राज्यसभा का प्रेजेंट होना एकदम अनिवार्य है, इनको तो होना ही है किसी भी कीमत पे। और ये जो मीटिंग बुलाया गया इसको हम समन भी बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का जो ज्वाइंट मीटिंग होगा उसमें जो स्पीकर होता है वो हमेशा लोकसभा का स्पीकर होता है। लोकसभा का मेंबर कभी भी राज्यसभा में नहीं बैठ सकता और राज्यसभा का मेंबर कभी भी लोकसभा में नहीं बैठ सकता। लेकिन मिनिस्टर कहीं भी बैठ सकते हैं, लोकसभा के मिनिस्टर राज्यसभा में बैठ सकते हैं, राज्यसभा के मिनिस्टर लोकसभा में बैठ सकते हैं। कोई भी बिल सबसे पहले लोकसभा में जाता है, कोई भी बिल सबसे पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में। अगर राज्यसभा उसको फॉरवर्ड नहीं करती है, तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं और लोकसभा और राज्यसभा वहाँ पे ज्वाइंट मीटिंग में जाती है। अब इम्पॉर्टेंट है मनी बिल। मनी बिल जो है, मनी बिल में लोकसभा को पावर दिया गया है, राज्यसभा का कोई पावर नहीं है मनी बिल में। मनी बिल में लोकसभा को पावर दिया गया है क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होकर के वो मेंबर बनते हैं, लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। अगर लोकसभा मनी बिल देता है राज्यसभा को, कोई भी लोकसभा मनी बिल दिया राज्यसभा को, तो राज्यसभा को ये बिल 14 दिन में वापस करना है, पास करना है इनको लोकसभा में वापस। अगर 14 दिन में बिल लोकसभा में नहीं आया तो ऐसा मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने बिल को पास कर दिया और फिर उस बिल पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है, इस बिल पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाएगा और वो एक लॉ बन जाएगा। लोकसभा का अधिकार है किसी भी बिल को मनी बिल का टैग लगा देने का। हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया। ये टोटल राज्यसभा और लोकसभा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।